वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 8 नवंबर और आज है थर्सडे और कल थी दिवाली। तो आज मैं आ गई हूँ मेरी मम्मी के घर। मैं अभी शाम को 5 बजे आई हूँ और आज मुझे मॉर्निंग में ही आना था, बट आज मेरी ट्रेन मिस हो गई। जब मैं स्टेशन पर पहुंची तो 5 मिनट पहले मेरी ट्रेन स्टेशन से जा चुकी थी। तो फिर हम लोग फिर से घर वापस गए और फिर मैंने घर पहुंचने के बाद फिर से बच्चों को सुला दिया और उसके बाद फिर से हम लोग दोबारा से रेडी होकर 2 बजे स्टेशन फिर से गए। फिर हमने वहाँ से ट्रेन पकड़ी और उसके बाद मैं आ गई हूँ मेरी मम्मी के घर। कल दिवाली थी तो रात को देर रात तक हम लोगों ने पटाखे चलाए, उसके बाद हमने डिनर वगैरह किया और फिर उसके बाद यहाँ पर आना था। तो फिर मैंने अपना बैग पैक किया, जो भी मुझे अपनी तैयारियाँ करनी थी तो मैंने वो सब की। और उसके बाद फिर जब मैं लेट नाइट सोई हूँ 1 बजे, तो सुबह मेरी आँख ही नहीं खुल रही थी। क्यों यहाँ पर आ गई है मेरे साथ काव्या, है ना काव्या? हेलो काव्या। और काव्या ने की है अभी शैतानी। काव्या और बहुत सारे अभी बच्चे आ गए, बोलते हैं ना कि बुआ के आने का बहुत ज्यादा क्रेज होता है। बंदर हाँ, तो जो बच्चे थे सब, बहुत सारे अभी बच्चे मेरे मम्मी के आंगन में खेल रहे हैं। तो सारे बच्चे जब खेल रहे थे तो सब बच्चे ऊपर चले गए पप्पी देखने के लिए। एक पीछे की तरफ खाली फील्ड पड़ा हुआ है, वहाँ पर है पप्पी। तो ये सब बच्चे गए थे पप्पी देखने के लिए। और यहाँ पर इतना ज़्यादा मंकी है ना कि मतलब गेट खुला नहीं छोड़ सकते। अगर 1 मिनट भी अगर गेट खुला रह जाए तो तुरंत मंकी नीचे आ जाता है। और सारे ही बच्चे ऊपर चले गए थे तो काव्या को मंकी ने पकड़ लिया था। कभी इन लोगों ने दिल्ली में तो मंकी देखने को नहीं मिलते हैं, बट हाँ इनकी दादी के यहाँ पर मंकी है। लेकिन घर कवर है तो मंकी ऐसे अंदर नहीं आता है, दूर से ही हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। वहाँ पर इतने ज़्यादा ऐसे नहीं है कि काट ले या कुछ भी। और आज जब मेरी ट्रेन मिस हो गई तो उसके बाद फिर हम लोग घर वापस चले गए। और फिर मैंने घर वापस जाने के बाद कल जो दिवाली का मैंने एक ब्लॉग शूट किया था, फिर मैंने उसकी एडिटिंग की और उसको सेविंग पर लगा दिया था। बट जब तक मैं आई हूँ तो वो सेव नहीं हो पाया था, तो मैंने लैपटॉप ऐसे ही रख लिया। पहले मैं लैपटॉप नहीं लाने वाली थी, मैंने सोचा था कल मुझे मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग वापस जाना था, तो मैंने सोचा था कल कर दूँगी उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर। बट टाइम था तो फिर मैंने सोचा कि चलो एडिटिंग कर लेते हैं। फिर मैंने एडिटिंग की और उसके बाद उसको सेविंग पर लगा दिया था, तो वो सेव नहीं हो पाया था। और फिर मैं लैपटॉप को अपने साथ ही ले आई हूँ, तो यहाँ पर अभी रखा है मेरा लैपटॉप। और यहाँ पर वीडियो मैंने अपलोडिंग पर लगा दिया है, तो ये हो रहा है अपलोड। और कितनी देर में होगा तो मैं फिर उसको पब्लिश कर दूँगी। और मम्मी गई हुई है मेरी दूध लेने के लिए और पापा तो हैं बाहर, और भाई और ये दोनों लोग गए हैं बाइक से कहीं घूमने के लिए मार्केट। और दीपिका है घर पर, मेरी भाभी है, और उसके साथ ही बहुत सारे बच्चे हैं जो कि मेरे भतीजे भतीजे हैं सब लोग। और आज है गोवर्धन पूजा, तो मेरी मम्मी ने बनाई है गोवर्धन, आंगन में गोवर्धन बने हुए हैं, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। और बहुत सारे बच्चे सब लोग खेल रहे हैं, और सब बच्चे इतना ज़्यादा डर गए थे ना मंकी से कि सब नीचे आ चुके हैं। मम्मी ने एक चटाई बिछा दी आंगन में, मैंने बोला एक चटाई बिछा दो क्योंकि बच्चे रुकते नहीं हैं। मेरी भतीजी भी है एक छोटी सी, तो वो बहुत ज़्यादा शैतानी करती है। तो मैं अभी बाहर चलती हूँ और आप लोगों को अपने घर के सब बच्चों से मिलवाती हूँ कि कौन कौन बच्चे मेरे घर में अभी इस टाइम खेल रहे हैं। और इस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, तो मेरी आंखें जो है बहुत ज़्यादा अजीब सी हो रही है थकान की वजह से, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया है। और तो अभी मैं बाहर चलती हूँ। ये पीछे मंदिर है मम्मी का, और मम्मी के मंदिर में बहुत सारे भगवान जी हैं। एक बार मैं आपको मम्मी अभी करेंगी आरती वहाँ से वापस आने के बाद, तब मैं आपको दिखाऊंगी। मम्मी का मंदिर बहुत ज़्यादा सुंदर है और जो भगवान जी की मूर्तियाँ हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, तो वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। और मैं आपको दिखाती हूँ गोवर्धन मम्मी ने कैसे बनाए हैं। और यहाँ पर है ये दीपिका मेरी भाभी, आप लोगों ने रक्षाबंधन के ब्लॉग में देखा होगा दीपिका हम लोगों को। और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, सब बच्चे हेलो बोलो, हेलो। देख लो बुआ के आने का कितना ज्यादा क्रेज है कि बुआ आई है। सब बच्चे मॉर्निंग से मेरा वेट कर रहे थे कि बुआ कब आएगी कब आएगी। देख लो कोई बच्चा ढोलक बजा रहा है।
और यहाँ पर बनाई है मम्मी ने गोवर्धन। अभी पूजा नहीं, और बच्चों ने पता है खराब भी कर दिया ये सारे। चलती हुई आ रही है मैंने, एक बार मैं आपको कैमरा पास करती हूँ। बच्चों को सुना रहा है हॉरर स्टोरी, हॉरर किंग मास्टर बने बैठे हैं ऊपर। फिर क्या होता है। और अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी, और मैंने यहाँ पर पहनी है ये ऑरेंज कलर की साड़ी। और कल मैंने ये ब्लॉग कल शाम को स्टार्ट किया था, बट इवनिंग के बाद मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी और मुझे फ़ीवर हो गया था, तो मैंने ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाया। और मैं कल रात को दवाई ववाई खाकर सारा सो गई थी, तो अभी तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है और मैं हो चुकी हूँ रेडी। और मेरा भैया जी भी रेडी हो रहे हैं अभी, और मम्मी ने यहाँ पर दोस्त की सारी तैयारियाँ कर दी हैं चौक वगैरह बनाकर, और बच्चे भी यहाँ पर रेडी हो गए हैं दोनों। हेलो काव्या, और ये है मेरे पापा। पापा भी नाश्ता कर रहे हैं। पापा हेलो कर दीजिए, ऐसे कर दो हेलो। पापा अपना नहा धो चुके हैं, पापा भी अपना नाश्ता कर रहे हैं, और इस बार मेरी बुआ कोई भी नहीं आई है दोस्त पर। और यहाँ पर मम्मी है किचन में, मम्मी बना रही है ब्रेकफास्ट सैंडविच। मम्मी इधर देखो जरा, हेलो। मम्मी कल शाम को ही मैं मम्मी से मिलवाने वाली थी कि मम्मी दूध लेने के लिए गई हुई थी, बट मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से फिर मैंने ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं किया। और मैं लास्ट टाइम भी जब जून में आई थी तो मैं सबसे मिलवाना चाहती थी, बट उस टाइम मैंने ब्लॉगिंग तो की थी, फिर मैंने कुछ एडिट नहीं कर पाया था, शेयर नहीं कर पाया आपके साथ, बट अभी मैं शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर मम्मी बना रही है सैंडविच। मम्मी सैंडविच जल जाएगा। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ, और अभी मैं करूँगी अपने भाइयों की सबकी भाई दी, तो उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे घर के लिए। और यहाँ पर ये भी लेते हैं रेडी होकर। हेलो कर दो जरा। Hello. We'll be right back.
अपनी ताई के घर पर, और यहाँ पर ये है मेरी ताई। हेलो कर दो मम्मी। और यहाँ पर ये है मेरी भाभी, इधर आओ, इधर लाइट से थोड़ा अंधेरा आता है। और ये है मेरी छोटी वाली भाभी, हाय फ्रेंड। और यहाँ पर ये है मेरी बड़ी भाभी, भाभी हेलो कर दो। और ये है हमारे देव, और अभी इन्हीं की दौर चाहिए, इतने सारे बच्चे, इतनी सारी बहने। हेलो कर दो, इधर देखो जरा, छोटू इधर देख लो, देव। इनकी दौर हो गई है, समझ ही नहीं पा रहे बेचारे करना क्या है, उठ उठ के भाग रहे थे, है ना। शर्मा आ जाते हैं कि बुआ के सामने क्यों नहीं बात करनी है। और ये है मिष्टी, मिष्टी हेलो कर दो। और ये है आरोही, आज का कंपटीशन ड्रेस में आरोही ने जीता है। आरोही ने आज बहुत सुंदर ड्रेस पहनी और आरोही बहुत सुंदर लग रही हो आप, है। और ये है परी, परी हेलो करो। खराब हो गई तो मम्मी के बाद सुबह से मम्मी काम पे लगी हुई है और अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से।